जरूरी है और ईद किसके लिए है? ईद हर इंसान ये सोचता है कि सिर्फ जो है नए कपड़े पहन लेने का नाम ईद। अगर यही ईद है तो फिर आम दिनों में भी इंसान नए कपड़े पहनता है, वो दिन भी ईद का है। अगर माना जाए तो ईद का हर वो दिन ईद का दिन है। भलाई कायनात फरमाते हैं कि हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन इंसान गुनाह न करे, जिस दिन इंसान मासीयत से बच जाए, जिस दिन इंसान गुनाहों से परहेज करे, वो दिन ईद का दिन। ईद का दिन ये उसके लिए है जिसने एक महीना माहे सयाम में माहे रमजान में पूरा रोजा रखा, उसके लिए ये ईद का दिन और उसी के लिए ईद, वरना ईद का कोई माना नहीं है। इसे इंसान कपड़ा पहन ले तो इसका कोई माना नहीं है कि नया कपड़ा पहन लिया तो ईद हो गई। नए कपड़े पहन लेने का नाम ईद नहीं है, बल्कि पूरे माह रमजान में एक महीना रोजा रखने के बाद दो रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ने का नाम ईद है। और ईद जिस दिन इंसान अच्छा हर चीज के लिए अल्लाह ने ज़कात रखी, इंसान मतलब देख लीजिए गेहूँ के लिए अल्लाह ने ज़कात रखी, जौ के लिए, खुरमा के लिए, किशमिश के लिए, जानवरों के लिए अल्लाह ने ज़कात रखी, तो फिर इंसान के जिस्म की ज़कात का क्या नाम? इंसान के जिस्म की ज़कात जो है उसका क्या नाम? अल्लाह ने जिस्म बनाया है, ज़कात आज जो अदा किया जाता है उसका नाम है फितरा। अव्वलन फितरा, पहले फितरा आप अदा करें। ये कबूलियत आमाल की जमानत, जो आपने माह रमजान में आमाल अंजाम दिए हैं उसकी जमानत। बरकत, बीमारी से दूर होना। जाहिर सी बात है जब आदमी माल की ज़कात क्यों देता है? ताकि माल की निजासत गंदगी जो है वो दूर हो जाए, इसलिए, और माल हम पे जो है मुबाह हो जाए, इसलिए हम माल की ज़कात देते हैं। इसी तरीके से जिस्म की ज़कात है उसे हम फितरा कहते हैं, जो जिस्म की ज़कात है यानी फितरत से लिया गया। फितरा क्या है? फितरत से लिया गया। फितरत यानी खुद ये इंसान जो सामने खड़ा हुआ है, यही है फितरत इंसान, इसी से बना है फितरा। यानी इंसान के जिस्म की ज़कात जो है उसे फितरा कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फितरा निकालने का फ़ायदा क्या है? का फितरा निकालने आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम अपने चाहने वाले को बुलाते, अपने फातिम फातिम को बुलाने के बाद कहा कि जो जिनका जिनका भी हमारे ऊपर नानू नफा वाजिब खाना पीना, जिनका खर्च हम पे वाजिब है, उनका फितरा आज निकाल दो। पहली फुर्सत जितना जल्दी हो सके उनका फितरा निकाल दो, हमें डर है कहीं वो मौत ना हो। तो गुलाम ने सवाल किया कि मौला ये फौत किस माने में? फौत कई माने में इस्तेमाल होता है। तो मौला ने फरमाया कि यहाँ फौत से मुराद मौत है, हमें डर है कहीं वो मर ना जाए। फितरा इतना ज़रूरी चीज़, इंसान साल भर डॉक्टरों के पास ना जाने कितना पैसा जो है दे के चला आता है, जबकि अल्लाह ने बेहतरीन रास्ता बता दिया है कि साल में एक दिन अपना फितरा निकाल दीजिए, आप साल भर तक अल्लाह के हुदूद में रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। साल भर तक अल्लाह खुद आपकी हिफाजत करेगा। जब अल्लाह खुद आपकी हिफाजत करेगा तो कौन सी बीमारी है जो आपको लग सकती है, कौन सी बला है जो आप पे आ सकती है? तो ज़रूरी ये है कि हम अव्वले दिन फितरा निकाल दें, ताकि साल भर तक हमारा ये जिस्म, जब हम जिस्म की ज़कात निकाल देंगे तो फिर जो है हमारा जिस्म जो है पाक और साफ है,
और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह के राह में हमारा मन लगता क्यों नहीं, अल्लाह की इबादत में हमारा मन लगता क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। इसकी एक वजह ये भी है कि हम हकुल्ला अदा नहीं करते, अल्लाह का जो हक है उसे अदा नहीं करते, जबकि जिसमें हमारा पाक नहीं है तो फिर हमारा मन इबादत में कहाँ से लगेगा। अब आज के बाद आप देख लीजिएगा, आप माशाल्लाह आज इतने लोग मस्जिद में मौजूद हैं, आज के बाद जो है इतने लोग नहीं निकलते, उसकी एक वजह क्या है, खुद वह शाबानिया में थके हुए हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद, शाबानिया में रसूल खुदा फरमाते हैं कि जैसे ही रमजान का चांद दिखता है परवरदिगार शैतान को कैद कर देता है, हथकड़ी बेड़ी जंजीर सब पहना दिया जाता है, अब वो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन ताक में बैठा है। किस चीज की कहा कि कब उसे रिहाई मिले और वो फिर अपने काम पे लग जाए, फिर वो अल्लाह के बंदों को बहकाने में लग जाए और अल्लाह के बंदे फिर बहक भी जाते। वजह क्या है कि अल्लाह के बंदे जो है वो अपने ईमान की अपने अमल की हिफाजत नहीं करते, वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाते, शैतान ताक लगाए बैठा है। कोई भी इंसान, कोई भी अगर चोर हो, अगर कोई आपके पास कीमती चीज़ है तभी वो ताक लगा के बैठेगा उसको लूटने के लिए, उसको चुराने के लिए। शैतान अगर ताक लगा के बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कीमती चीज़ आपके पास है, जिसकी वजह से वो ताक लगाए बैठा है कि कब रिहाई मिले और हम उस चीज़ को चुराएं, उस चीज़ को लूटें। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपका ईमान, वो चीज़ है आपका अमल। वो सबसे पहले जब आप पे गालिब आता है तो आपको अमल से दूर कर देता है। जब इंसान अमल से दूर हो जाता है तो धीरे धीरे करके फिर वो ईमान से दूर होने लगता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। कोशिश करें कि जिस तरीके से आज आप सब जमा हुए हैं उसी तरीके से आम दिनों में भी आप जमा हों और अल्लाह की इबादत इसी तरीके से अंजाम दें।